हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम अलग और डिफरेंट तरीके से दाल वड़ा बनाएंगे। दाल वड़ा तो हम अक्सर चने दाल के बनाते हैं, लेकिन आज हम अलग दाल से दाल वड़ा बनाएंगे जो कि कम टाइम में बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है और खाने में क्रंची और करारा होता है। ये दाल वड़ा नॉर्मल दाल वड़ा से भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। दाल वड़ा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बर्तन और हम इसमें 1 कप तुअर की दाल डालेंगे, या फिर जिसे हम अरहर की भी दाल कहते हैं। यहाँ मैंने छिलके वाली तुअर की दाल ली हूँ। दाल को धोने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल करके दाल को हाथ से अच्छी तरह मिलाते हुए हम इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे या धो लेंगे। दाल में पानी डालकर हम इसे 1 घंटा के लिए भिगो देंगे। दाल भिगोए 1 घंटा हो गया है और ये देखिए दाल हमारा फूल कर डबल हो गया है। और अब हम इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और यहाँ हमने लिया है 1 ग्राइंडिंग जार और इसमें दाल डालेंगे। यहाँ मैंने ग्राइंडिंग जार में दाल को डाल लिया है और थोड़े से दाल को हम बचा लेंगे। दाल में 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। 1 छोटा टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और जार का ढक्कन लगा करके हम इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए दाल को यहाँ मैंने थोड़ा से पानी ऐड करके दरदरा ग्राइंड कर लिया है। पिसी तुअर की दाल को अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे या ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने तुअर की दाल को निकाल लिया है और इसमें बचा हुआ तुअर दाल डालेंगे। 2 से 3 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डालेंगे। 5 से 6 कड़ी पत्ता डालेंगे। स्वाद अनुसार या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे। 1/2 चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच धनिया पाउडर या कोरिएंडर पाउडर डालेंगे और इसमें मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे या डालेंगे। ये देखिए प्याज को यहाँ मैंने बारीक काट लिया है और अब सभी इंग्रेडिएंट को चम्मच से हम मिला लेंगे और अब हम चम्मच निकाल करके साफ हाथ से दाल के बैटर को हाथ से अच्छी तरह से मसलते हुए मिला लेंगे ताकि दाल में सभी इंग्रेडिएंट का फ्लेवर अच्छे से मिल जाए और ये बहुत ही दाल वड़ा में मसालों का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और चलिए अब हम एक कढ़ाई गर्म कर लेते हैं। हाई फ्लेम पे कढ़ाई को हम गरम होने देंगे। कढ़ाई गरम हो गया है, हम इसमें तेल डालेंगे। तेल डालकर तेल को गरम होने देंगे। दाल वड़ा बनाने के लिए हम दाल का बैटर थोड़ा सा लेंगे और इसे हाथों में इस तरह दबाते हुए इसे दाल वड़ा का शेप देंगे और इसे धीरे से तेल में एक एक कर डालते हुए दाल वड़ा को फ्राई होने देंगे। कढ़ाई या पैन में जितना दाल वड़ा फ्राई हो सके हम उतना ही दाल वड़ा फ्राई होने के लिए डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे जिससे दाल वड़ा हमारा अंदर तक अच्छे से फ्राई हो सके और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने। ये देखिए दाल वड़ा हमारा एक तरफ से लाइट ब्राउन कलर आ गया है। हम इसे पलट कर दूसरी तरफ से भी लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे और ये देखिए दूसरी तरफ से भी दाल वड़ा में लाइट ब्राउन कलर आ गया है। और अब हम इसे एक एक करके प्लेट में निकाल लेंगे। दाल वड़ा निकाल करके गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हम इसमें दाल वड़ा डालेंगे। दाल वड़ा डाल करके गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और ये देखिए दाल वड़ा का दूसरा बैच को भी यहाँ मैंने फ्राई कर लिया है। और चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। दाल वड़ा आप इस तरह से बच्चों के टिफ़िन, टी टाइम या छोटे मोटे पार्टी में इजीली बना सकते हैं। इस तरह से आप दाल वड़ा बनाएंगे तो आपके घर वालों के साथ ये आपके मेहमानों को भी बहुत पसंद आएगा और आप इसे बारिश में भी इजीली फटाफट से बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।